welcome students let's do some multiple choice question answers on the chapter silk road your chapter silk road and birth are there in your set exam which are going to start from 25th of this month i hope that these two videos will prove very helpful for your examination there are थर्टी टू क्वेश्चन इन दिस वीडियो दीडियो आई शेल मेक विद इन वन और टू डेज ओके क्वेश्चन नंबर वन वाइप ऑफ चैप्टर सिल्क रोड इज सिल्क रोड है वो किस तरह का चैप्टर है ए बायोग्राफी एक बायोग्राफी है जिसको जीवनी बोल देते हो एन एस ए अबाउट ए ट्रेवलॉक ऑन माउंट कैलाश ये माउंट कैलाश की यात्रा के बारे में एक लिखा गया विवरण है प्ले या एक नाटक है या ए शॉर्ट स्टोरी या एक शॉर्ट स्टोरी है तो बी इज द राइट आंसर हेयर यहां पर बी है वो राइट right आंसर है सिल्क रोड इज एन एसे अबाउट ए ट्रेवल ऑफ ऑन माउंट कैलाश जो एस जो आंसर हैं वो आपको स्टार लगा करके साइड में बताए गए हैं आप इनको हाथ से कवर करके रिवाइज भी कर सकते हो क्वेश्चन नंबर टू वाई डिड द ऑथर और नरेटर ओके okay, यहाँ पर जो ऑथर और नरेटर है वो निक मिडल्टन है मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गो ऑन ए जर्नी टू माउंट कैलाश हमारा जो ऑथर या नरेटर नरेटर का मतलब कहानी को सुनाने इस ऐसे को सुनाने वाला है वो माउंट कैलाश की यात्रा पर क्यों गया फॉर गेटिंग ए जॉब एक जॉब को लेने के लिए नौकरी करने के लिए फॉर ए मेडिकल चेकअप मेडिकल चेकअप करवाने के लिए फॉर बाइंग ए हाउस एक घर खरीदने के लिए या फॉर परफॉर्मिंग स्पिरिचुअल कोरा या फिर एक आध्यात्मिक कोरा रखने के लिए गया था तो डी है वो यहां पर राइट right आंसर है वो वहां पर राइटर वेंट ऑन ए जर्नी टू माउंट कैलाश फॉर परफॉर्मिंग स्पिरिचुअल कोरा स्पिरिचुअल है वो आध्यात्मिक होता है कोरा एक प्रकार का धार्मिक उपवास कह लो क्वेश्चन नंबर थ्री वेयर वॉज दिस्ट हेडिंग टू इन द दिग्निंग ऑफ द चैप्टर जब जो यात्रा शुरू होती है तो हमारा में, हमारा ऑथर या नरेटर या प्रोटेगोनिस्ट प्रेगोनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर जो इस कहानी के अंदर है जो इस ऐसे के अंदर मेन कैरेक्टर है वो शुरू में किधर जा रहा था माउंट कैलाश जा रहा था हिमालयस के ऊपर जा रहा था कश्मीर जा रहा था या नेपाल जा रहा था तो ए इज द राइट आंसर आवर प्रगनिस्ट वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश इन द बिगनिंग ऑफ अवर चैप्टर क्वेश्चन नंबर फोर हाउ वॉज द स्काई लुकिंग लाइक ड्यू टू सन रेज स्प्रेडिंग ऑन द माउंटेन टॉप्स जब पहाड़ियों के ऊपर पहाड़ियों के ऊपर है वो सूरज की किरणें पर पड़ रही थी तो आकाश कैसा दिख रहा था येलो ब्लश पीले रंग का रोज टिंटेड ब्लश वो गुलाबी रंग का दिख रहा था ब्यूटीफुल एंड फ्रेश बड़ा सुंदर और ताजा दिख रहा था या ब्लैक ग्रे या फिर काला सा ठीक है और स्लेटी रंग के बादल दिख रहे थे तो यहाँ पर बी है वो हमारा राइट आंसर होगा द स्काई वॉज लुकिंग रोज टिंटेड ब्लश क्वेश्चन नंबर फाइव वट डिड लहमो गिव टू दी प्रोटेगोनिस्ट एज ए फेयरवेल गिफ्ट टू हिम जो लेमो एक औरत थी जो उसको वहां पर मिली थी यात्रा के शुरू के अंदर तो उसने उसको एक गिफ्ट के तौर पर फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर विदाई गिफ्ट के तौर पर क्या दिया था लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट फ्लावर्स दिए थे लेदर कोट दिया था या शूज दिए थे या जूते दिए थे तो लेमो हैड गिवन हिम ए लॉन्ग स्लीव ए लॉन्ग स्लीव्ड शीप्स इन कोट ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स क्वेश्चन पर आते हैं ड्राकोबाज़, जो ड्राकोबाज़ हैं वो कौन थे हिल ट्राइब नोम वो घुमंतु लोग जो होते हैं नोमेड्स को घुमंतु लोग बोलते हैं वो पहाड़ियों पर रहने वाले घुमंती लोग थे शीप या उनकी भेड़े थी जिनको ड्रोकॉब्स कहा गया है लोकल पीपल या वहां के स्थानीय निवासी थे या कुसीन या फिर वो कोसीन थे जो कि एक प्रकार का हवा का भंगूसा होता है तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर शॉर्टकट टू चैंग टेंग जो ड्राइवर है जिसका नाम टेस्टिटन है वो राइटर को एक शॉर्ट कट से चैंग टोंग क्यों लेके जाता है ए ही वॉन्टेड टू अवॉयड ट्रैफिक वो ट्रैफिक को अवॉइड करना चाहता था ट्रैफिक से बचना चाहता था ही न्यू द शॉर्टेस्ट रूट टूवर्ड्स माउंट कैलाश वो माउंट कैलाश का एक छोटा रास्ता जानता था ही हैड टू पिक अप अनदर पैसेंजर उसको एक दूसरा व्यक्ति है वो मतलब पैसेंजर है वो यात्री है वो पिक करना था ही डिड नॉट वांट टू गो टू दैट टाउन वो उस टाउन को जाना ही नहीं चाहता था तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर दी ड्राइवर टुक ए शॉर्टकट टू चैंग टोंग बिकॉज ही न्यू द शॉर्टेस्ट रूट टूवर्ड्स माउंट कैलाश वो माउंट कैलाश को एक जो छोटा रास्ता है कम दूरी वाला रास्ता है वो जानता था क्वेश्चन नंबर एट हुई क्वागी जो एक्काई क्वागी था वो कौन था एन अफगानी मंक वो एक अफगानिस्तान का सन्यासी था ए नेपाली मंक वो नेपाल का सन्यासी था ए जैपनी मंक वो एक जापान का सन्यासी था या ए ए ट्रेडर या वो एक जापान का ट्रेडर व्यापारी था तो यहाँ पर एकाई क्वागि वोस ए जैपनी मंक वो एक जापान का सन्यासी था जो आंसर हैं वो मैंने स्टार लगा करके साइड में दिखाए गए हैं आप इनको ध्यान में रखना ओके okay, दिस जेपनी मंक हैड डिस्क्राइब्ड दाउंट कैलाश ओके इन वेरी ही हैड प्रेज डिस प्लेस इन ए वेरी ब्यूटीफुल मैनर ओके इन दाइम उसने पुराने समय के अंदर इस स्थान को इस स्थान की सुंदरता को बहुत ज्यादा उसकी प्रशंसा की थी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइन वेयर डिड दी ऑथर इनकाउंटर दी ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस एस गधे होते हैं वाइल्ड जंगली गधे ऑथर को बड़े बड़े जंगली गधे हैं उनका जो झुंड है हर्ड झुंड होता है वो कहाँ मिला था एट माउंट कैलाश माउंट कैलाश के पास एट चेंगटेंग चैंगटेंग के पास एट ए स्मॉल टाउन एक छोटे टाउन के अंदर या वेयर प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी जहां पर जो मैदानी इलाका था समतल भूमि थी वो पथरीली सी हो गई थी तो यहां पर डी इज द राइट आंसर द दर इनकाउंटर्ड ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस वेयर द प्लेन बिकेम मोर स्टोनी क्वेश्चन नंबर टेन वाई डिड द राइटर नोटिस डिड द राइटर नोटिस इन फ्रंट ऑफ नोमेड टेंट्स राइटर ने जो नोमेड्स थे जो घुमंतू लोग थे उनके टेंट जो लगे हुए थे जिन टेंट में वो रह रहे थे उनके सामने उसको क्या दिखा बिग बिग ब्लैक टिप्टियन डॉग्स काले रंग के बड़े बड़े तिब्बत के अंदर मिलने वाले कुत्ते शीप भेड़े देखी वाइल्ड एस उसने जंगली गधे देखे या चिक या उसने मुर्गे देखे तो यहां पर ए इज द राइट आंसर ही सा बिग ब्लैक टिप्टियन डॉग्स इन फ्रंट ऑफ नोम टेंट्स एंड दीज डॉग्स वर वेरी फिरोशियस वेरी अटैकिंग बड़े ही अटैक करने वाले थे और बड़े ही फुर्तीले कुत्ते थे एंड दे स्टार्टेड बारकिंग ऑन द दरेटर्स कार वट डिड द बिग टिपट डॉग डू आफ्टर द्रोचिंग कार जब नरेटर की कार है वो उनकी तरफ आ रही थी कुत्तों के मालिकों के घर की तरफ आ रही थी तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया दे रैन बिहाइंड इट एज ए बुलेट फायर फ्रॉम ए गन वो गोली की तेज गति के साथ राइटर की कार की तरफ भाग के आए दे इग्नोरड इट उन्होंने कारो की तरफ कार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया दे बार टूवर्ड्स द कार वो भोंकने लगे दे नेवर सा इट उन्होंने राइटर की जो कार है उसको देखा ही नहीं तो यहां पर जो राइट right आंसर आएगा ए आएगा दे रैन बिहाइंड इट एज ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन वो गोली की तेज स्पीड से राइटर की कार की तरफ भागे उसको अटैक करने के लिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वेयर वाई वर दी तिब्तियन मस्तिफ़ फेमस इन चाइना रॉयल कोर्ट चाइना के जो दरबार थे वहां पर तिब्बत के अंदर जो बड़े बड़े काले रंग के कुत्ते मिलते थे वो क्यों ज्यादा रखे जाते थे एज हंटिंग डॉग शिकार करने के लिए एज बिग एनिमल बड़े जानवर के तौर पर एज वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों के तौर पर या फिर ऑल ऑफ द अबाव या फिर सभी आंसर है वो सही है तो यहाँ पर देवर वेरी फेमस एज हंटिंग डॉग्स उनको शिकार करने के लिए वहां पर रखा जाता था क्वेश्चन नंबर थर्टीन वैन डिड दी प्रोटेकोनिस्ट फील प्रेशर ऑन हिज ईयर्स जो प्रोटेक्निस्ट है निक मिडल्टन या नरेटर कह लो उसने अपने कानों के ऊपर थोड़ा दबाव सा महसूस कब किया? जब जब वो वो अपनी कार में बीमार पड़ गया When दे entered ए वैली along आईसी रिवर जब वो एक घाटी में पहुंचे जहां पर एक बर्फ वाली नदी बह रही थी when they were पासिंग नोमे टेंट जब वो घुमंतु जाति के लोगों के टेंट के पास से गुजर रहे थे तब उन्होंने, तब उन्होंने उसने अपने कानों के ऊपर दबाव सा महसूस किया तो यहां पर सी इज राइट आंसर दिस्ट फेल्ड प्रेशर ऑन हिज इयर्स व्हेन दे एंटर्ड ए वैली अलोंग आईसी रिवर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच एनिमल डिड नरेटर नोटिस इन वास्ट ओपन प्लेन ऑन जेंटल हिल्स ऑफ रावू रावू की जो कम ऊंचाई की पहाड़ियां थी वहां पर जो प्लेन एरिया था विशाल प्लेन एरिया था वहां पर नरेटर ने कौन सा एनिमल देखा लॉयंस देखे गैजल्स देखे या एलिफेंट्स देखे या टाइगर्स देखे तो यहां पर बी इज दी राइट आंसर ही सा गैजल्स इन दॉस प्लेन जेंटल हिल्स ऑफ रावू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वट वर दी प्रोटैगोनिस्ट डेनियल एंड टेसिटन डूइंग वेन दे सा द स्नो जो प्रोटेगोनिस्ट डेनियल ऑल टेसिटन थे उन्होंने क्या किया जब उन्होंने बर्फ देखी ट्राइंग टू एंजॉय द स्नो उन्होंने बर्फ के साथ इंजॉय करना शुरू कर दिया सेट एट ए रॉक टू टेक रेस्ट वो एक चट्टान पर बैठ गए रेस्ट करने के लिए ट्राइंग टू मूव स्मूथली ओवर स्नोई सरफेस वो बर्फ के ऊपर है वो चलने लगे ताकि बर्फ की जो मोटाई है उसका पता लगा सके कि बर्फ है वो कितने कितने फिट गिरी हुई है दे वर ट्राइंग टू फाइंड ए गेस्ट हाउस वो एक गेस्ट हाउस को ढूंढ रहे थे तो यहां पर सी इज द राइट आंसर दे वर ट्राइंग टू मूव स्मूथली ओवर दी बस टू नो हाउ मच स्नो हैड फॉलन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एट वट सी लेवल वर दी थ्री ऑफ देम वैन दे साथ द स्नो ऑन दी रोड कहता है समुद्र तल से वो कितनी ऊंचाई के ऊपर थे जब उन्होंने वहां पर रोड के ऊपर है वो स्नो देखी 5,210 थाउजेंड 6,000 मीटर्स और 1,000 मीटर्स एंड 5,300 मीटर्स तो इज द राइट आंसर दे वर अबाउट 5,210 मीटर टू द सी लेवल वो बावन मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर थे क्वेश्चन नंबर 17। वेयर डिड दे स्टॉप टू हैव लंच एट टू ओ नरेटर ओके टेसिटन और जो उनके साथ है वो और ट्रेवलर था वो दो बजे लंच करने के लिए कहाँ पर रुके एट ए लॉन्ग कैनवास टेंट बिसाइड द ड्राई सॉल्ट लेक वो एक मोटे टेंट मोटे कपड़े के बने हुए टेंट जो कि नमक की झील के पास था वहां पर रुके एट ए फैंसी रेस्टोरेंट वहां वो एक फैंसी रेस्टोरेंट में रुके एट रोड साइड स्टैंड वो एक रोड साइड स्टैंड जो शॉप होती है वहां पर रुके या एट ए कैफे कैफे में रुके तो ए इज द राइट आंसर ओके वहां पर फैंसी रेस्टोरेंट तो थे ही नहीं ठीक है ए इज द राइट आंसर दे स्टॉप एट ए लॉन्ग कैनवास स्टैंड बिसाइड ड्राई सॉल्ट लेक क्वेश्चन नंबर एटीन वट वॉज एन ओल्ड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर नॉन एज जो लहासा से कश्मीर का जो लंबा रूट है पुराना रूट है उसको क्या कहा जाता है ईस्ट वेस्ट हाईवे उसको ईस्ट वेस्ट हाईवे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट हाईवे बोलते हैं वेस्ट साउथ हाईवे बोलते हैं या साउथ वेस्ट हाईवे बोलते हैं तो इट इज नोन एज ईस्ट वेस्ट हाईवे इसको ईस्ट वेस्ट हाईवे कहते हैं वाई डिड होर लुक एज एन अगली एंड मिजरेबल प्लेस टू निक मिडल्टन निक मिडल्टन को होर जो एक स्थान था वो एक बड़ा बदा सा और बेकार सा स्थान क्यों लगा कारण दिया गया है इट हैड नो मॉडर्न मार्केट वहां पर एक मॉडर्न आधुनिक मार्केट नहीं थी इट हैड नो वेजिटेशन वहां पर वेजिटेशन uh, नहीं था वहां पर पेड़ पौधे नहीं थे इट डिड नॉट हैव एनी प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर कोई भी प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी है वो नहीं थी या फिर है या फिर है यहाँ पर इट हैड नो प्लेस टू लिव यहाँ पर रहने के लिए कोई स्थान नहीं था तो यहाँ पर क्या है बी इज द राइट आंसर इट हैड नो वेजिटेशन एट ऑल यहाँ पर बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं था लेकिन बिहाइंड होर लेक माउंट मानसरोवर कंपनसेटेड फॉर इट्स ब्यूटी लेकिन होर टाउन के पीछे ही लेक माउंट मानसरोवर थी जो कि यहाँ की जो यहाँ की जो सुंदरता नहीं थी उसकी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए पीछे है वो लेक मानसरोवर थी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वट आर द नेम्स ऑफ द फोर रिवर्स दैट द लेक मानसरोवर कंसिस्ट ऑफ जो लेक मानथरोवर है उससे जो चार नदियां निकलती हैं वो कौन कौन सी हैं? गंगा यमुना रावी एंड सतलुज, यमुना, गंगा रावी एंड इंडस ओके okay, यहाँ रावी के साथ है वो हमें दा लगाना पड़ेगा बिकॉज वी ऑलवेज यूज द आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ द रिवर्स नेक्स्ट है सी पार्ट सी ऑप्शन इंडस इंडस सिंधु नदी को बोलते हैं गंगा सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र इंडस गंगा झेलम एंड यमुना तो यहां पर सी है वो राइट आंसर है दीज फोर रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द लेक मानसरोवर द इंडस गंगा सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र आगे है ट्वेंटी वन क्वेश्चन वट वॉज रीजन फॉर ए फ्यू पिलग्रिम्स एट माउंट कैलाश जब राइटर माउंट कैलाश पहुंचा तो वहां पर जो धार्मिक यात्री थे वो बहुत कम संख्या के अंदर नामात्र संख्या के अंदर क्यों थे एक्सट्रीम वेदर मौसम बड़ा विपरीत था इस कारण से लैंडस्लाइडिंग एंड स्नोइंग जो लैंड स्लाइड हो गई थी ठीक है और स्नोइंग चट्टें गिर गई थी और बर्फ हो गई बर्फबारी हो गई थी फ्लड बाढ़ आ गई थी ही रीच देयर टू अर्ली या फिर वो वहां पर बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच गया था पिलग्रिम्स अभी पहुंचे ही नहीं थे तो यहां पर डी है वो हमारा राइट right आंसर है ही माउंट माउंट कैलाश कैलाश टू अर्ली वो बहुत जल्दी पहुंच गया था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वट हैप वेन दे रीच डरचन एट नाइट टू स्टे इन गेस्ट हाउस क्या हुआ जब वो डन पहुंचे गेस्ट हाउस के अंदर तो क्या हुआ था प्रोटेगोनिस्ट स्लेप्ड वेल प्रोटेगोनिस्ट बड़ी अच्छी नींद के अंदर सोया बिकॉज ही वॉज टायर्ड क्योंकि वो थका हुआ था टेसिटन वेंट मिसिंग टेसिटन गायब हो गया था प्रोटेगोनिस्ट बहुत सैड प्रोटेगोनिस्ट निक मिडल्टन है वो उदास हो गया था प्रोटेगोनिस्ट वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रोपरली ड्यू टू कोल्ड ठंड लगने के कारण जो निक मिडल्टन है वो सांस नहीं ले पा रहा था तो डी है वो राइट आंसर है हमारा द प्रोटेगोनिस्ट वॉज अनेबल टू ब्रीद प्रोपरली ड्यू टू कोल्ड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वेयर डिड टेसिटन टेक द प्रोटेगोनिस्ट टू सीक मेडिकल हेल्प जब राइटर है प्रोटेगोनिस्ट है या नरेटर है उसको ठंड लग गई थी रात को वो सो नहीं पाया था तो टेटन है वो उसको कहाँ पर लेके गया था डरचन मेडिकल कॉलेज उसको डरचन मेडिकल कॉलेज ले गया था ए तिब्बतियन आयुर्वेदिक डॉक्टर वो एक तिब्बत के आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास उसको ले गया एट लहासा उसको लहासा ले आया या टू राहू अगेन वो उसको वापस राहू ले गया था तो यहाँ पर दी सॉरी टू सॉरीचन मेडिकल कॉलेज वो उसको दवाई दिलवाने के लिए डरचन मेडिकल कॉलेज ले गया था ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर जो तिप्टियन डॉक्टर था उसको राइटर, ने, राइटर को क्या दिया था ए फाइव डे कोर्स मेडिसिन इन ए ब्राउन इनवेल्प उसको एक भूरे रंग के लिफाफे के अंदर पांच दिनों की दवाई दी थी एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन या उसको एक आयुर्वेदिक मेडिसिन दी थी होम्योपैथिक मेडिसिन दी थी या उसको या एलोपैथिक मेडिसिन दी थी तो यहां पर ए इज द राइट आंसर ही गेव हिम ए फाइव डे कोर्स मेडिसिन इन ए ब्राउन इनवेल्प ठीक है वो उसको भूरे रंग के लिफाफे के अंदर उसको पांच दिन की दवाई है वो दी थी और वो जो दवाई है वो देखने में जो बकरी होती है उसकी डंग की तरह से लग रही थी उसकी जो मेंगनी होती है उसकी तरह से उसको लग रही थी आपको हंसी भी आएगी ये बात सुनकर के क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव हु प्रूव टू बी ए ग्रेट कंपेनियन फॉर नरेटर एज फॉर एज कम्युनिकेशन इज कंसर्न ड्यूरिंग हि जर्नी टू माउंट कैलाश राइटर के लिए उसका बड़ा अच्छा साथी कौन साबित होता है जहां तक बातचीत करने की बात है जब वो माउंट कैलाश की यात्रा पर गया था नोरबू लहमो एवरी तिब्तियन या नोमेट्स तो उसको कौन है वो बातचीत करने में मदद करता है जिसके साथ वो खुलकर बातचीत कर पाता है तो वो उसका दोस्त था नोरबू क्योंकि वो इंग्लिश जानता था और राइटर भी इंग्लिश जानता था बाकी लोग इंग्लिश वहां नहीं जानते थे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ये है वो राइट right आंसर है यहाँ पर वाई वॉज दिस्ट फेसिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इन डरसन डर्सन के अंदर राइटर जो प्रगनिस्ट है जो हमारा ऑथर है उसको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम बातचीत की प्रॉब्लम क्यों हो रही थी एज ही नेवर वॉन्टेड टू टॉक टू लोकल्स क्योंकि वो लोकल लोगों से बात नहीं करना चाहता था एज ही वॉज ऑलवेज बिजी इन हिज मेडिटेशन क्योंकि वो हमेशा ही भक्ति के अंदर लीन था एज ही एज नो वन न्यू इंग्लिश देयर क्योंकि वहां इंग्लिश कोई जानता ही नहीं था नन ऑफ दी अबव या फिर इनमें से कोई भी आंसर नहीं है तो सी इज द राइट आंसर एज नो वन न्यू इंग्लिश देयर क्योंकि वहां इंग्लिश कोई नहीं जानता था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वेड मीट नॉर्बू जो हमारा पोटेकनिस्ट है जो हमारा है, वो नोरबू उसको कहा मिला एट ए कैफे कैफे में मिला एट कोरा कोरा करते वक्त मिला इन ए नोमेट्स टेंट उसको एक जो घुमंतु लोग होते हैं उनके टेंट में मिला एट ए गेस्ट हाउस या फिर उसको एक गेस्ट हाउस के अंदर है वो मिला तो यहां एट की जगह पर ड्यूरिंग वर्ड है वो ज्यादा सुटेबल आएगा ड्यूरिंग कोरा कोरा रखने के दौरान उसको यस तो ए इज द राइट आंसर यहां पर यहां पर ए राइट ए है वो राइट आंसर है द प्रोटैगोनिस्ट और निक मिडल्टन मेट नोरबू एट ए कैफे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वेयर डिड नॉर्बू वर्क नोर्बू है वो कहा काम करता था ओके okay, नॉर्बू है वो कहाँ पर काम करता था एट इन ब्रिटेन ब्रिटेन के अंदर इन बीजिंग एट चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसिस बीजिंग है वो चाइना की राजधानी है कैपिटल है याद रखना एट होर होर के अंदर या एट दर्चन या डरचन के अंदर तो बी इज द राइट आंसर नोबू नोरबू वर्क परफॉर्म कोरा न परफो, कोरा पर चाहता था बिकॉज ही वॉन्टेड टू बिकम ए मंग क्योंकि वो एक सन्यासी बनना चाहता था बिकॉज ही वॉन्टेड पीस क्योंकि वो शांति चाहता था एज ही वॉज प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन फॉर ए लॉन्ग क्योंकि वो लंबे समय से भक्ति कर रहा था बिकॉज ही वॉज राइटिंग एन एकेडमिक पेपर ऑन कैलाश कोरा क्योंकि वो एक अकेडमिक पेपर कैलाश कोरा के ऊपर लिख रहा था तो यहाँ पर डी है वो राइट right आंसर है नॉर्बू वॉन्टेड टू परफॉर्म कोरा बिकॉज ही वॉज गोइंग टू राइट एन एकेडमिक पेपर ऑन कैलाश कोरा क्वेश्चन नंबर थर्टी विद होम डिड द नरेटर परफॉर्म कोरा राइटर ने कोरा है वो किसके साथ परफॉर्म किया ओके okay. राइटर ने जो कोरा है वो किसके साथ परफॉर्म किया विद नोरबू नोरबू के साथ अलोन अकेले विद ए हरमिट एक संत के साथ या विद टेसिटन उसने टेसिटन के साथ किया था तो ही परफॉर्म नरेटर परफॉर्म कोरा विद नोरबू नोरबू है उसके साथ जाता है क्योंकि वो इंग्लिश जानता था दोनों दोस्त बन जाते हैं और उसने नोरबू के साथ है वो कोरा किया था यहां पर ए है वो राइट आंसर है आंसर है वो स्टार लगाकर सामने दिए गए हैं बच्चों हु इज नरेटर और ऑथर ऑफ चैप्टर सिल्क रोड सिल्क रोड चैप्टर का ऑथर है या नरेटर है वो कौन है निक मिडल्टन है टेसिटन है नोरबू है या शिरले टोल्सन है या शिरले टोल्सन है तो यहां पर ए इज द राइट आंसर निक मिडल्टन इज द नरेटर एंड ऑथर ऑफ द चैप्टर सिल्क रोड टेसिटन उसका गाइड है ओके okay, नॉर्बो उसका एक फ्रेंड बन जाता है और शिल्ले टोलसन की जो पोयम है आपकी फर्स्ट पोएम है सिलेबस के अंदर एक फोटोग्राफ लिखी हुई है आपको पाते पता होनी चाहिए और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वाई वॉज सिल्क रोड वेरी फेमस इन दास्ट सिल्क रोड पास्ट के अंदर बहुत फेमस क्यों था फॉर ब्यूटिफुल रेस्टोरेंट सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट थे वहां पर इसलिए था फोर ब्यूटीफुल लैंडस्केप सुंदरता के अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिल्क प्रोडक्ट या सिल्क की बनी हुई चीजें साड़ियाँ वगैरह है वहां से उनको उनका आदान प्रदान होता था या एन एंशियंट रूट फॉर द ट्रेडर ऑफ चाइना एंड इंडिया या फिर ये बहुत पुराना रूट था पुराना रोड जाता था यहाँ से व्यापारियों के लिए और व्यापारी इंडिया और चाइना के इधर उधर जाते थे तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर ओके सिल्क रोड वॉज वेरी फेमस इन पास्ट एज एन एंशियंट रूट फॉर द ट्रेडर ऑफ चाइना एंड इंडिया तो स्टूडेंट आई हैव कवर्ड अप थर्टी टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन दिस चैप्टर एंड आई होप दैट दिस वीडियो लेक्चर विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर गोइंग टू कम इन यूर सेट एग्जाम विल बी फ्रॉम दीज क्वेश्चन तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूजफुल होगी इसको एंड तक आप देखना और ज्यादातर जो क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हैं वही उन्हीं क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम के अंदर है वो आने वाले हैं थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी बच्चों आगे सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चे हैं वो इस वीडियो से फायदा उठाएं Thank you very much for listening to me and have a nice day.